ट्विंस माई वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। अभी मेरी बेटी मेरे पास बैठ गई, पता नहीं कब चढ़ गई। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, जिसका मेन वजह यह है कि मेरा दिल्ली जाने का समय हो गया है। मेरे मायके से जाने का वक्त आ गया है, तो थोड़ा मैं अपसेट थी। थोड़ा सा देखिए, दो तरह की इमोशंस चलती है एक लड़की के दिमाग में। एक तो मम्मी पापा का जैसे होता है, मायके छूटने का थोड़ा सा ये लगता है, दुख लगता है। दूसरा, पति से मिलने का सुख रहता है। तो वो जो असमंजस थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं जेंडर प्रिडिक्शन वीडियोस के ऊपर भी ध्यान दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आपकी डिमांड आ रही थी कि जेंडर प्रिडिक्शन जैसे वीडियोस बनाना सही रहेगा। हटो हेनरी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर मैं कुछ आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगी। देखिए, एक ही वीडियोज़ में तो कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं बनाऊँगी, जो भी मे बी दो तीन वीडियोज़ और जाएंगी इस जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर। तो इस वजह से देखिए, ये बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ इन लोग की भी वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है, आपसे मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आज मैं जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वो है आप किस किस तरीके से जान सकते हैं। ऐसे मेथड्स तो बहुत सारे हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने भी खुद बहुत सारी चीज़ें अनुमान लगाई थी, कुछ चीज़ मेरे साथ सही बैठी, कुछ चीज़ सही नहीं बैठी। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, इसको 100% आप नहीं कर सकते। देखिए, ये फ्यूचर यूट्यूबर है और ये अभी से इसका बोलना चालू हो गया। तो बस ये चीज़ें जो होती हैं कि एक अनुमान होता है, 100% कुछ भी सही नहीं होता है। कि मैं ये चीज़ क्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं क्या, कोई भी आप जितने भी वीडियोस देख लोगे, सबके ऊपर आपको यही डिस्क्लेमर दिखेगा कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, किसी तरह का कोई सत्यता नहीं है, बस एक गेस है। इंसान थोड़ा सा गेस करता है किसी चीज़ के लिए। जैसे अगर आप एग्ज़ाम भी देने जाते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको 80% मार्क्स आएंगे या 70 आएगा, 90 आएगा। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, आपका गेस, आपने किस तरह से मेहनत की या जो भी, बाकी तो आपका एग्जामिनर या फिर बहुत सारी चीज़। अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि उस धारा प्रभाव निकल गया होगा। तो सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ एक गेस है। तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो, और ले लो। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब पेट के आकार से भी आप बच्चे लड़का है या लड़की, उसका पता आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर गर्भ में अगर लड़का है यानी बेटा है, तो आपका जो पेट का जो साइज़ है वो थोड़ा ऊंचाई लिया हुआ होगा। ऊंचाई जैसे कि कहने का मतलब कि बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि पेट सामने की तरफ निकला रहता है। तो वो जो सामने की तरफ निकला हुआ जैसा अगर पेट रहेगा, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उनको बेटा ही है। और अगर थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, हल्का सा नीचे झुका हुआ टाइप का रहेगा, उसकी अलाइनमेंट अगर नीचे रहेगी, तो आप मान लीजिए कि बेटी होने वाली है। ये तो पेट के आकार से मैंने बताया, चलो जाओ यहाँ से। और दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जब अगर आप बहुत सारी लेडीज़ को देखी होंगी कि जब पेट के आसपास की जो चर्बी होती है, यानी कि फैट का कलेक्शन होता है, अगर वो बढ़ जाता है, अगर आपको ऐसा लगे कि फैट ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है पेट के आसपास या थोड़ा सा आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में, स्पेशली आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट बढ़ना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और एक सिंगल प्रेगनेंसी में आपको 10 से 12 किलो बढ़ना एकदम आम बात है, लेकिन अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, तो मान के चलिए कि 15 से 18 और मे बी 20 केजीज तक भी बढ़ सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपकी डिलीवरी के 6 महीने के बाद से आप वेट रिडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, अगर मान लीजिए कि पेट की चर्बी और आसपास के एरिया में अगर ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटी होगी। अगर फैट का, अरे चुप रहो यार प्लीज़, और फैट का अगर कलेक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है, फैट का कलेक्शन अगर कम होता है, तो मान के चलिए कि बेटा होगा। चलो देखिए, ये है मेरा सन, ठीक है, खुश हो अब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग लीनिया निग्रह के ऊपर हम लोग बात करते हैं, कि जो लीनिया निग्रह जो चीज़ होती है, वो होती है कि आपका जब हार्मोन बढ़ता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ता है, उसके जो लेवल्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, और HCG लेवल भी बहुत बढ़ता है, जिसके रिज़ल्ट से ये लीनिया निग्रह यानी कि पेट पे जो लाइन बनती है वो उसकी वजह से होता है। लेकिन बहुत सारे लेडीज़ लोग का ये लाइन होता ही नहीं है, मतलब पेट पे ये लाइन ही नहीं बनती है। तो उनको कुछ ना कुछ तो आखिर ज़रूर होगा ना, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, फॉर श्योर। तो इसलिए ये नीलिया निग्रह वाली जो बात है ना, आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए,
वो कहीं पर भी इसका कोई क्लेम नहीं है, कुछ सत्यता इसका नहीं है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि लीनिया निग्रा जैसे मिथ्स पे मत जाइए। अनुमान ऐसे लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़, मतलब इनफैक्ट 30 से 40% लेडीज़ को तो आता ही नहीं है, तो इसके ऊपर अनुमान लगाना एक बेवकूफ़ी होगी, जो कि इतना क्लेम नहीं करता है, सत्य नहीं होता है। लेकिन ये जो पेट वाले आकार का जो मैंने आपको बताया और इसका बताया, जो फैट जो जमा होती है, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में ये सही हुआ है। और मे भी देखते हैं आपके केस में क्या होता है। कुछ नहीं जानते हैं कि गॉड की क्या प्लानिंग होती है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। और हम लोग तो नॉर्मल एक इंसान है, हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं। हम लोग हमारी कुछ इच्छा होती है, जैसे अगर बेटा हो गया तो हम अगली बार चाहते हैं कि एक बेटी हो जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर पहले आपको बेटी है तो आप ये सोचिएगा कि आपको बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से ये सोचना नॉर्मल सी बात है, एक ह्यूमन इंसान है हम लोग सब कुछ। लेकिन इसको अब क्या कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनी, आपका प्लान जो है भगवान का, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो यू नेवर नो कि आपके साथ क्या होगा। तो होप आपको मेरा ये थोड़ा सा बहुत परेशानी भरा वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बच्चों की वजह से काफ़ी परेशान रहती हूँ, वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऑन कैमरा मुझे जाना चाहिए। आप लोग सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो सॉरी बच्चे थोड़ा परेशान करें, इसलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और अगली सीरीज़ ज़रूर जेंडर प्रेडिक्शन के आपके अकॉर्डिंग लाऊंगी। बहुत सारे लोग जो जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।